जी हाँ, ये वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में इंदौर बीजेपी नेता गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रुद्राक्ष गर्भगृह के अंदर आरती के दौरान हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। इस दौरान पुजारी आरती कर रहे हैं। बता दें कि मंदिर में पुजारी पुरोहितों के अलावा सुबह आरती के दौरान कुछ कर्मचारी ही गर्भगृह में प्रवेश कर पाते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां आम और वीआईपी श्रद्धालु तक आरती के दौरान गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसे में गोलू शुक्ला के बेटे का गर्भगृह के दर्शन व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि मामले में संज्ञान लेने के बाद जाँच की बात कही गयी है। कल रात को ही एक वीडियो भेजा गया है और उसको हम सीसीटीवी हमारे चूँकि पूरी जगह पर सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, तो उसको हमने आज निकलवा रहे हैं कि किस प्रकार से जो वीडियो चल रहा है उसकी कितनी वैलिडिटी है, यदि कोई भस्म आरती के समय पर आया है कि नहीं आया, यदि आया है तो किस प्रकार से पहुँचा है, उसको हम पूरा चेक करा रहे हैं। कार्रवाई होगी सर, इसमें पहले एक बार चेक कराते हैं और इसमें यदि कोई भी गलती पाई जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है कि आम दर्शनार्थियों को गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, ऐसे में वीडियो खुद रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। पूर्व में भी रुद्राक्ष यम विरुद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर सुर्खियों में आ चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।